Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो यहाँ सुबह सुबह मैं कपड़े डाल रही हूँ. आजकल धूप जो है वो बहुत ही कम दिखता है एंड उसके बाद कब बारिश हो जाएगा कोई पता नहीं चलता है. तो मैंने सोचा जैसे ही दिखा धूप उसको मैं कपड़ों को डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े जो है वो रात में ही वॉश कर लिए थे तो यहाँ पर डाल दिए. एंड बच्चों का भी छुट्टी है तो बच्चे आज घर पर ही हैं और अभी बच्चे टीवी देख रहे थे. उसके बाद मैंने बोला जल्दी से भागो सारे बाहर, दोनों भागो और खेलो, खेल कर आओ. एंड उसके बाद थोड़ा सा मैंने उनको पढ़ाई करवा दिया था एंड सुबह सुबह जो भी डस्टिंग होती है सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ. जब छुट्टी होता है बच्चों का तो मैं भी लेट ही उठती हूँ और बच्चों को भी उतना उठाती नहीं सुबह सुबह. और ये ध्यानश यहाँ पर कह रहा मम्मा यहाँ दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर उसके बाद वही देख रही थी उसे. एंड देन सोफ़ा डस्टिंग कर दिया. पता नहीं सोफ़ा पे आजकल चीटियाँ बहुत आ रहा है, मतलब दो दो तीन तीन बार मैं ना ऐसे झाड़ रही हूँ, बट हो सकता है बच्चे कुछ खा लेते हों तो आता हो. और यहाँ पर आज बना रही फेस पैक, तो यहाँ पर जो इस बॉटल में दिख रहा है ना, इसे मसूर की दाल ग्राइंड करके रखा है एंड राइस फ्लावर रखा है, तो मैंने उसको ले लिया. एंड देन यहाँ लेमन डाल रही हूँ, थोड़ा बेसन भी डाला था मैंने, और उसके बाद दही डाल दिया था. और ये जो हनी दिख रहा है ना, ये चंडीगढ़ से लाई थी, 3-4 साल हो गया होगा, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हनी है. हमारे यहाँ ना कोई पेड़ पर मतलब चढ़ के ना ऐसे निकाला था जस्ट मेरे सामने ही, तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ से अभी ले लेते हैं. चंडीगढ़ में ऐसे बहुत मतलब बेचते थे लोकली हनी, तो ये वहीं से लाया हुआ है. तो खाती तो नहीं हूँ बट हाँ, फेस पैक पर मैं मोस्टली ये वाला लगा लेती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है. जो मार्केट में आता है मुझे पता नहीं कि उस ऐसा लगता है उसमें मोस्टली शुगर ही होगा. तो यहाँ पर हस्बैंड को भी थोड़ा सा पैम्पर कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड का छुट्टी चल रहा है तो अभी घर पर ही रह रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो फेस पैक लगा देते हैं. और उसके बाद ये कपड़े जो है मैं वो जो भी पहले के सूखे हुए थे ना, वो मतलब 3 दिन से जो सूख रहे हैं तो उन्हीं को मैं फोल्ड कर रही हूँ. मतलब 3 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं कपड़ों को, ऐसे ही घर में फैला रहता है. तो सारी चीज़ों को फोल्ड कर दिया और बीच में मैं चाय पी रही हूँ. तो मेरी मेड आई थी ना तो उसके लिए मैं चाय बनाई थी, तो थोड़ा सा मैं भी पी लेती हूँ, रहा नहीं जाता यार चाय की, मतलब जो है ना ऐसी हूँ मैं. उसके बाद जो फेस पैक था मैं भी लगा ली, मुझे अपने लिए ही लगाना था बट हस्बैंड को भी मैंने कहा चलो लगा लो, थोड़ा सा स्किन केयर कर देती हूँ, तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गया है. और ये फेस पैक ना बहुत ही अच्छा है, मसूर दाल वाला ज़रूर ट्राई करना गाइस. और अभी क्योंकि फेस्टिवल्स अब आने आ ही गए हैं, स्टार्ट हो चुका है, रक्षाबंधन के बाद से तो स्टार्ट ही हो जाता है, सारे फेस्टिवल बैक टू बैक आते हैं. उसके बाद बच्चों को मैंने थोड़ा सा सोचा कि पढ़ा देती हूँ. बच्चे खेल कर आ गए थे ना तो यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ. और ध्यानश को पढ़ाना भाई, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा जो पेशेंस लेवल है ना वो उसकी तो धज्जियाँ उड़ जाती है. उसको पढ़ाना मतलब इतना इरिटेट करता है ध्यानश छोटा वाला, लेकिन क्या करूँ, पढ़ाना तो है उसे. बहुत बहाने बनाता है, बहुत मतलब पढ़ाई के लिए जब भी बैठा है मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे प्यास लगी है, मुझे ये हो रहा है, मुझे इतने. उसके बाद उसका होमवर्क जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा आजकल उसकी मैम दे रही है. एक सब्जेक्ट के 5-6 पेज होते हैं, फिर नोटबुक में अलग होता है, बुक में अलग होता है, तो ध्यान का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. उसके बाद यहाँ पर मैंने गाइस आज लंच आपके साथ शेयर नहीं किया था, लंच में जो भी बनाई थी, क्योंकि थोड़ा टाइम उस वक्त नहीं था और मेरा मन भी इनका रिकॉर्ड करने का, तो मैं इवनिंग से शूट कर रही हूँ. और अभी देखो बारिश, देखो देखो तो आज बच्चों को मैंने कहा ठीक है भीग लो, ऐसे मेरे बच्चे पूछते हैं कि मम्मा मैं बारिश में चला जाऊं, तो फिर मैंने कहा नहीं यार यही बचपना है इनका भी, तो मैं खेलने देती हूँ जब भी वो बोलते बारिश में भीग लेते हैं. हाँ ऐसे कर लो वहाँ पे, यहाँ पे नहीं. बोल रही कि क्या नहीं आगे का छोले भटूरे, छोले भटूरे खा ले बेटा, अभी तो बना भी नहीं तो खिलाती. चलो आधे घंटे ठीक है, वेट करो वेट करो तब मिलेगा. नहीं नहीं बेटा डैडी. सो जैसा कि आपने सुना होगा कि नीरा बोल रहा था, उसकी फ्रेंड है श्रेया, एक्चुअली मेरी फ्रेंड की बेटी है, उसका मन था कि आंटी छोले भटूरे बना रही है तो खाने का. मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, अब मुझे ना मैं बच्चों के मामले में थोड़ी वो, मुझे थोड़ी सी ना ऐसा फील होता है अगर बच्चे ने बोल दिया है या ना, या कोई बच्चे अगर मैं खा रही हूँ या सामने है या कोई भी बच्चे आते हैं ना घर में, तो मैं पता नहीं अगर मेरे बच्चे खा रहे तो मैं उनके बच्चों को भी खिला देती हूँ, या ऐसे भी अगर आते हैं ना तो मैं कुछ ना कुछ उनको थोड़ा खिला देती
देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं मतलब नीरव के फ्रेंड को बोल देती हूँ कि यहीं पे आज डिनर करेंगे। तो इसीलिए मैं छोले भटूरे जो बना रही थी तो मैंने उनकी मम्मी को बोल दिया बच्चों को आज डिनर पे भेज देना। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, बस ऑयल में ज़ीरा डालने के बाद मैंने अनियन भून दिया, उसके बाद टमाटो प्यूरी एंड बेसिक मसाले जो होते हैं वो, यहाँ पर मैंने शुगर डाल दिया है, थोड़ा सा चुटकी भर शुगर डाल देना है। इससे क्या होता है ना, फ्लेवर जो है बैलेंस हो जाता है, खटास। उसके बाद ये मैंने डाल दिया यहाँ पर छोले मसाले, मैंने जो पाउच वाले आते हैं ना वही आजकल ले रही हूँ, क्योंकि अभी मानसून का टाइम है, कीड़े लगने का थोड़ा ज़्यादा डर होता है। उसके बाद मसाले भूनते रहना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और देख सकते हो इसके बाद मैंने अच्छे से बॉईल किया हुआ डाल दिया है छोले। ये ब्लैक इसलिए लग रहा है क्योंकि चाय पत्ती को बॉईल करके उसके बाद छान कर मैं इसमें डालती हूँ, और जितने भी साबुत जो खड़े मसाले होते हैं ना, वो जो गर्म मसाले जो होल, वो मैं बॉईल करते टाइम ही डाल देती हूँ, और बड़ा अच्छा इससे फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो फ्राई किया था ना आलू वो डाल दिया है, एंड सॉल्ट दोबारा डाला है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पहले भी डाला था सॉल्ट। एंड देन यहाँ पर हम बना लेंगे हमारा ज़ीरा और तड़के का मतलब रायता। तो ये रायता खीरे का है, क्योंकि मेरे पास बूंदी नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो खीरे का ही रायता बना लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, मतलब छोले भटूरे के साथ एक रायता होना चाहिए। उसके बाद ये मैंने बनाया था सिरके वाला प्याज, जिसमें मैंने विनेगर, चिली पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला डाला है, बड़ा टेस्टी बनता है गाइस। अगर आपने ये नहीं बनाया ना तो आपका छोले भटूरे ना इनकम्प्लीट है, ये आप ज़रूर बनाना, आप सिरका वाला जो प्याज, लच्छा प्याज जो भी इसको बोलो, बट ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना ये वाला बनाना, सिरका वाला प्याज, जब भी आप छोले भटूरे बनाओ तो। और ऐसे भी आप ये सैलड यूज़ कर सकते हो खाने के साथ, बड़ा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने फिर भटूरे फ्राई कर दिए, पहला भटूरा या फिर पहला डोसा मेरा अक्सर फूलता नहीं है, उतना अच्छा बनता नहीं है, डोसा स्पेशली क्रिस्पी नहीं बनता है। उसके बाद तो सारे धीरे धीरे दूसरा, तीसरा और अच्छा बनता है, चौथा और अच्छा बनता है। तो बच्चों को जैसे ही बच्चे नहाने के बाद बहुत जल्दी आ गए थे, उस वक्त खाना बना भी नहीं था, हालांकि मैंने आज शाम में 6:30 बजे बनाना स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने बच्चों को बोल दिया पहले बच्चे खा लें, उसके बाद फिर अपने घर भी, वो रात हो गया था तो जाएंगे। हालांकि बिल्कुल घर के पास ही है, सामने वाला जो घर दिखता है ना वही है मेरी फ्रेंड का घर बच्चों का। तो बस मैंने फिर बच्चों को फटाफट से सर्व कर दिया, और बच्चे बहुत इंजॉय करके खा रहे थे, देख सकते हो टीवी भी देख रहे हैं, एक्चुअली टीवी में वो मेरा ही व्लॉग देख रहे हैं और कुछ नहीं, उनको बहुत अच्छा लगता है व्लॉग देखना मेरा। और हाँ, मैंने मतलब छोले भटूरे के अलावा राइस भी बनाया था, तो बच्चों ने राइस खाया, क्योंकि दो भटूरे इनफ हो जाता है बच्चों के लिए, तो राइस थोड़ा सा बच्चे कम ही खाए थे, और राइस मतलब काफ़ी रह गया था। खा के तो बताओ जरा कैसा लग रहा। सो गाइस, सब्जी का कलर देख सकते हो कितना प्यारा है, और ज़्यादा ऑयल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयल डाला उन्होंने, बट बहुत टेस्टी बना था। हैप्पी, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ, तो फिर खाओ जल्दी जल्दी, गरम इसको ज़्यादा लग रहा है लगता है। उसके बाद गाइस, बस आज के व्लॉग में इतना ही है, और बच्चों को ना स्प्रिंग अनियन कभी खाए नहीं थे, बट आज बच्चे बहुत मज़े से खाए। सो या इतना ही था आज के व्लॉग में, मिलती हूँ एक और नए व्लॉग के साथ।